हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन टॉपिक पर, जो कि एक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का एक प्रोसेस है। तो जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन की आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पिछले टॉपिक को रिवाइंड करा दूं, ताकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको एक कंटिन्यूटी में आ सके, क्योंकि पिछले हम कई लेक्चर बना चुके हैं जिसमें सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का मतलब ये था कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि किसी भी पानी को सोर्स से लेकर उसे पीने योग्य तक बनाने के लिए जो पानी पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट की है, उसे हम पूरा प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस था ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए इनटेक। तो इनटेक क्या था, किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स, सोर्स का मतलब ये है कोई भी जलाशय या फिर हमारा झील या नदी, किसी भी स्ट्रीम से पानी को लेना, पानी को प्राप्त करना, यानी पानी के ट्रीटमेंट करने के लिए, जिस पानी को पीने योग्य बनाना है, उस पानी के ट्रीटमेंट के लिए जो पानी किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाता है, तो उस सोर्स की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं, इनटेक कहते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस था, हम जानते हैं कि पानी के अंदर जब हम पानी को इनटेक करेंगे तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियाँ वगैरह, या फिर हमारे जो स्टोन वगैरह हैं, ग्रेवल, सैंड वगैरह, उसमें ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो सकती है, जो कि हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज होते हैं। तो अगर उनको हम इनटेक कर रहे हैं तो आगे मशीनरी चौक ना हो, या मशीनरियों की एफिशिएंसी पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो अपनी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पानी को छानना होता है। तो स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसमें पानी के अंदर उपस्थित जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे ग्रेवल, सैंड, घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ती वगैरह को हम रिमूव करना हमारा क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग कहलाता है। ये हमारी दो टाइप की थी, पिछले लेक्चर हम बना चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जब सोर्स से, जब किसी भी सोर्स से पानी प्राप्त किया जाता है, तो हम उसमें अंदर ये देखते हैं कि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम है तो हमारा काम ये होगा कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाया जाए। और एक चीज़ और भी है, एरेशन, एक एरेशन में हम ये भी देखते हैं, अगर पानी के अंदर जो हमारी गैसेज हैं जो बहुत ही बदबूदार हैं, तो उनको अगर हमें एटमोसफियर में भेजना हो तो उसके लिए हम एरेशन प्रोसेस करते हैं। तो हम कहेंगे कि एरेशन ऑफ किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का, एरेशन वह प्रोसेस है जिसमें पानी को हवा में उछाल दिया जाता है और उसको एयर के कॉन्टैक्ट में, हवा के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो सके और उसके अंदर उत्पन्न जो गैसेज हैं उनको दूर किया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे स्क्रीनिंग में दूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत महीन पार्टिकल ऐसे बसते हैं, कुछ सस्पेंडेड मटेरियल्स बहुत सारे बसते हैं, जो सस्पेंडेड हमारे कोर्स या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी हमें तली में बैठाना होता है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, सेडिमेंटेशन। तो किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को किसी भी टैंक, पानी में टैंक की गति को कम करके और उसमें उपस्थित जो सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, चाहे वो कोर्स हो या फाइन हो, उनको हम बैठा देते हैं और उनको तली पर बैठा देते हैं, ताकि हम पानी, साफ पानी प्राप्त करके आगे फिल्ट्रेशन तक ला सकें। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ये भी होता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं बैठ पाते हैं, या फिर हम उनके लिए हमें एक स्कंदक वगैरह, जो आप जानते हैं, कोगुलेंट्स वगैरह मिलाना होता है, जिनसे हमें पानी के अंदर फ्लॉक बन जाती है, और उस फ्लॉक को हम, फ्लॉक की मदद से भी हम सस्पेंडेड फाइन या कोर्स पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, तली में बैठा देते हैं। तो जब पानी को सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद फिल्ट्रेशन तक लाया जाता है, तो हम जानते हैं उसके अंदर जो हमारे सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, सस्पेंडेड जो हमारे बहुत ही फाइन मटेरियल्स हैं, या फिर फ्लॉक है, या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उनका, उनके वो पानी के अंदर अभी भी उपस्थित होते हैं। तो फिर अब यहाँ से समझते हैं हम कि फिल्ट्रेशन क्या है। देखिए, फिल्ट्रेशन एक किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में दिया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को हम किसी पोरस मीडिया, किसी पोरस मीडिया का मतलब ये है कोई सैंड लेयर या किसी भी हम जो छिद्रित युक्त माध्यम है, उससे हम पानी को पास कराते हैं, ताकि पानी में उपस्थित जो भी हमारे सस्पेंडेड फ्लॉक्स हैं, सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो पानी के अंदर उपस्थित हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको दूर किया जा सके। तो पानी, इसके लिए हमें पानी पर क्या करना होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस देना होता है। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं
कि फिल्ट्रेशन किसी भी पानी में, पानी के ट्रीटमेंट में दिया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को हम क्या करते हैं, किसी पोरस मीडिया यानी किसी भी पोरस मीडिया छिद्रित माध्यम से पानी को पास कराया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें एक सैंड लेयर है, तो पानी को हम क्या करेंगे, सैंड लेयर और ग्रेवल लेयर से पास कराएंगे। तो ये सैंड और जो ग्रेवल की लेयर हमारी कैसे है, पोरस मीडिया है, तो इसे पास कराना ही हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे पानी में उपस्थित जो हमारी फ्लॉक है जो सेडिमेंटेस प्रोसेस में सेटल डाउन नहीं हो पाई थी, या फिर हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स अभी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पाए थे, या जो पानी में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा दो प्रकार का था, पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है वो रैपिड सैंड फिल्टर का एलिवेशन है, और मैंने इसका जो बॉटम आप देख रहे हैं, बॉटम का मतलब ये है कि जो इसका जो सेंट्रल मैनिफोल्ड बिल्कुल बीच में लाइन आपको जो जहाँ मैं इसका इशारा कर रहा हूँ आपको, ये वाला जो है इसका क्रॉस सेक्शनल टॉप व्यू हमने इसका हमने जो टॉप व्यू देखा है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने इसका टॉप व्यू बनाया, ये हमने फ्रंट व्यू बनाया, तो समझते हैं इसकी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस रैपिड सैंड फिल्टर से किस तरह होता है। उसके बाद जानेंगे कि रैपिड सैंड फिल्टर को लेकर कंपटीशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमारे मैंने सीरियल वाइज यहाँ पर लिख रहे हैं, तो जानते हैं इनको, जानते हैं और समझते हैं और एक एक को एक्सप्लेन करते हैं सीरियल वाइज। देखिए स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर में रैपिड सैंड फिल्टर से हमें पानी को फिल्ट्रेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे नंबर वन वाल्व है ये, इसको हम कहेंगे इनलेट वाल्व, आपको लिखते जाना है साथ के साथ, नंबर वन वाल्व हमारा ये है, ये हमारा इनलेट वाल्व है, यहीं से पानी एंटर करेगा फिल्टर होने के लिए, यानी सेडिमेंटेशन से आ रहा होगा सीधे सीधे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हमने पानी को ले लिया है, और आगे हमारी जो यूनिट लगी हुई है वो कौन सी यूनिट है, ये हमारी फिल्टर की यूनिट है, फिल्ट्रेशन की यूनिट है, और इस फिल्ट्रेशन की यूनिट में हम पानी को सेडिमेंटेशन टैंक से सीधे सीधे लाएंगे, तो पानी नंबर वन वाल्व जो है वो हमारा इनलेट वाल्व है, और इसी से पानी एंटर करता है फिल्टर के अंदर। दूसरा हमारा सेकंड वाल्व, जब हम इस टैंक को यूज करेंगे, तो चलिए इस लगातार बता दिया हूँ, फिर टैंक इनके वाल्व नंबर भी बता जाऊँगा। तो यहाँ से हमारा सबसे नंबर वन पॉइंट, नंबर वन जो वाल्व है यहाँ से पानी क्या करेगा, एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद पानी हमारा इस सैंड लेयर पर फैल जाएगा। तो सैंड हम जानते हैं सैंड कैसी है, एक पोरस मीडिया है, एक छिद्रित माध्यम है, इसकी परमेबिलिटी अच्छी होती है, तो पानी हमारा क्या होगा इस सैंड लेयर से परमेबल होकर धीरे धीरे सेंट्रल ड्रेन में यहाँ पर आने लगेगा, और फिल्ट्रेट पानी को हम क्या करेंगे, हम इस वाल्व से चार नंबर वाल्व से हम प्राप्त करते रहेंगे लगातार। तो ये हमारा चार नंबर वाल्व हम इसको खोल देंगे, तो यानी कि वन नंबर वाल्व खोल रखा है और हमने फोर नंबर वाल्व खोल रखा है, और पानी हमारा यहाँ से इनलेट कर रहा है, फिल्ट्रेट होके हमें यहाँ पर पानी प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर बहुत एक इम्प्योरिटीज़ की लेयर जमती जाएगी सैंड लेयर पर, और इम्प्योरिटीज़ जमती जाएगी, तो फिर पानी का फिल्ट्रेशन दर कम होने लग जाएगी, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में बताया था बायोलॉजिकल चेंजेस या फिर हमारा सेडिमेंटेशन, तो ये प्रोसेस इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग जैसे हमारे फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी है वो हमारे अप्लाई होते हैं यहाँ पर। आप उस सबको देखने के लिए पिछला लेक्चर भी आप जरूर देखिए, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप नहीं भी देखते तो उसके बावजूद मैं इसको पूरा एक्सप्लेन यहां पर कर रहा हूं। तो हमने सबसे जो पहला यहां पर हमने देखा कि पानी जब इनलेट किया, तो इनलेट करने के बाद में जब पानी यहां पर इनलेट करेगा तो वो फिल्ट्रेट होगा और हम चार नंबर वाल्व से पानी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन लगातार जब पानी फिल्ट्रेट होगा तो इसके ऊपर हमारी इंप्योरिटीज की लेयर बनती जाएगी और कहीं ना कहीं हेड लॉस हमें यहां पर नजर आएगा, हमें यहां पर हेड लॉस नजर आएगा, और हेड लॉस को हम यहां पर हम देखते रहेंगे कि कितना हेड लॉस पानी का हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हम देखेंगे पानी का हेड लॉस ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, यानी कि हमारा पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा, जब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक लेयर और बन जाएगी और उसके अंदर वॉइड्स बहुत ही कम मात्रा में है, तो पानी फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में हमें ज़रूरत होगी कि इसको हम बैक वॉश द्वारा हम इसकी वॉशिंग कर दें। तो देखिए अब बैक वॉश के लिए हम क्या क्या देखेंगे प्रोसेस इसका, बैक वॉशिंग के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास एक एयर कंप्रेसर है जो वाल्व नंबर 5 के ओपन पर एयर कंप्रेसर चालू हो जाएगा। यानी एयर कंप्रेसर क्या है, यह संपीड़ित वायु है, और संपीड़ित वायु
का संबंध है 5 नंबर वाल्व से, संपीड़ित वायु वाला जो टैंक है उसका 5 नंबर वाल्व से रिलेशन है। यानी अगर हम संपीड़ित वायु हम यहाँ पर खोल देंगे तो क्या होगा, वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो ग्रेवल लेयर को ऐसे हमारी नीचे से ऊपर की तरफ हमारी वर्क करेगी। तो जो कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर जब इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स में कंप्रेस्ड एयर आएगी और इंप्योरिटीज हमारी कैसे होगी, उछलने लगेगी। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब हम कंप्रेस्ड एयर लगा रहे होंगे तो उस टाइम हम वाल्व नंबर 6 को भी खोल देंगे, और वाल्व नंबर 6 का एक हमारा वाटर टैंक है तो यहाँ से पानी हमारा बैक वॉश होगा। यानी कि हम जब ये फिल्टर पूरा वर्क करना अपनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता तब हम उस केस में इसकी सफाई करते हैं। तो ये सफाई कैसे होती है, बाई बैक वॉशिंग। लेकिन स्लो सैंड फिल्टर में हमारी सफाई कैसे हो रही थी, बाई स्क्रैपिंग ऑफ सैंड लेयर। जो हमारी ऊपर की जो सैंड लेयर है उसको हम खुरच कर उसकी सफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी सिमुडस जो लेयर है वो हमारी उसके ऊपर बन जाती है और हेड लॉस काफी मात्रा में अधिक हो जाता है, तब हमें उसकी भी सफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, 5 नंबर वाल्व खोला और 6 नंबर वाल्व खोला, कंप्रेस एयर लगाई और उसके बाद हम पानी खोल दिया। पानी खोल देने के बाद पानी 4 नंबर फिल्ट्रेट पानी तो है नहीं है, हम बैक वॉश कर रहे हैं यानी इसकी धुलाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम 4 नंबर वाल्व को बंद कर देंगे और 3 नंबर वाल्व भी हमारा अभी बंद रहेगा। और हम क्या करेंगे, कंप्रेस एयर लगाएंगे तो पानी इधर तो जाएगा नहीं, इधर भी नहीं जाएगा तो यहां से रुक जाएगा, तो पानी कहां जाएगा, वापस ऊपर की तरफ पानी हमारा बैक वॉश होने लगेगा, पानी बैक डायरेक्शन में चलने लगेगा। और पानी जब बैक डायरेक्शन में जाएगा तो यहां की जो इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज हमारी क्या होगी, आकर इस ड्रेन में, इन सभी ड्रेन में इंप्योरिटीज हमारी आ जाएंगी। और इन ड्रेन्स का रिलेशन सीधे सीधे किससे होता है, हमारा गटर से। इन सीधे सीधे ये ड्रेन का रिलेशन हमारा गटर से किस तरीके से, यहाँ से इंप्योरिटीज हमारी इधर आएगी और इंप्योरिटीज जब इधर आ जाएंगी तो ये 2 नंबर वाल्व हम खोल देंगे और हमारी इंप्योरिटीज इस गटर में चली जाएंगी, जो हमारा वॉश वाटर है वो इसके अंदर चला जाएगा। ये हम तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक हमें ऊपर साफ पानी दिखाई देने नहीं लग जा नहीं दिखाई नहीं देता है। तो दोबारा से समझते हैं इसको एक बार और। अगर हम पानी की, हमने देखा कि पानी का हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है, और उस केस में हेड लॉस ज़्यादा होना के केस में हम ये समझ जाएंगे कि हमारा फिल्ट्रेट वाटर हमें अधिक मात्रा में नहीं मिल रहा है, अपने इस टैंक की एफिशिएंसी कम हो चुकी है, उस केस में हम इसका बैक वॉशिंग द्वारा इसकी धुलाई करेंगे। तो बैक वॉशिंग की धुलाई के लिए 5 नंबर वाल्व और 6 नंबर वाल्व को खोल देंगे लेकिन 4 नंबर को हम बंद कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे, कंप्रेस्ड एयर लगातार इधर से आ रही है और बैक वॉश का पानी हमारा किधर किस डायरेक्शन जाएगा, इस तरह से जाएगा और इंप्योरिटीज़ को लेते हुए आ जाएगा, ये इन ड्रेन्स में आएगा। और ड्रेन्स का रिलेशन सीधे सीधे हमारा किससे होता है, हमारा इस 2 नंबर वाल्व से होता है, और 2 नंबर वाल्व से हमारा क्या हो जाएगा, आउटलेट की तरफ पानी यानी गटर में पानी हमारा चला जाएगा, जो हमारा गंदा पानी है, जो हमारा वॉश वाटर है। दूसरा, जब हम फिल्टर को पुनः दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो जब दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब पानी को स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली 4 नंबर वाल्व नहीं खोलेंगे, उस केस में कुछ देर तक हम इनलेट वाल्व कर देंगे तो हमारा दोबारा से फिल्टर चालू हो जाएगा, फिर दोबारा पानी यहाँ एंटर करेगा और पानी एंटर करने के बाद में वो इस लेयर पर पानी हमारा फैलने लगेगा। और ड्यू टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो परमेबिलिटी सॉइल की परमेबिलिटी के कारण दोबारा से पानी हमारा परमेबल होगा और इस सेंट्रल जो हमारा ड्रेन है इसके अंदर पानी आ जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में इंप्योरिटी अभी रहेंगी। तो हाल ही में हम तुरंत के तुरंत 4 नंबर वाल्व खोलकर फिल्टर्ड वाटर नहीं प्राप्त करेंगे, कुछ देर तक पानी को हम निकलने देंगे, उसके लिए हम 3 नंबर वाल्व खोल देंगे तो पानी यहाँ से होते हुए हमारा इस गटर में जाता जाएगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, जब सब पानी आने लग जाएगा तब उस केस में 3 नंबर वाल्व बंद कर देंगे, 4 नंबर पुनः खोल लेंगे हम, तो हमारी पुनः प्रोसेसिंग हमारी वही स्टार्ट हो जाएगी। जब पानी का दोबारा से फिल्टरेशन चल रहा होगा तो 5 और 6 नंबर वाल्व और 3 नंबर वाल्व हमारे कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे, और 4 नंबर और 1 नंबर वाल्व हमारे ओपन रहेंगे। तो जितनी डेप्थ हमारी सैंड लेयर की है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमने ग्रेवल लेयर है और सैंड लेयर को अलग अलग क्यों यूज किया है। ग्रेवल लेयर जो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रही है बड़े पार्टिकल्स के अंदर, तो ग्रेवल लेयर का सिर्फ इतना रोल है कि ये सैंड लेयर को सपोर्ट करती है, सैंड लेयर पानी को फिल्ट्रेट करती है, जिसकी मोटाई हम 60 से 90 सेंटीमीटर हम रखते हैं। अगर सैंड की मोटाई हमारी डी डेप्थ में है यानी 60 से 90 सेंटीमीटर जितनी भी है, उसमें ड्रेन का टॉप सरफेस हम कितना रखते हैं, D/2 दूरी पर रखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसकी वर्किंग किस तरीके से हमारा ये टैंक वर्क करता है। अब बात करते हैं इसका जो सेंट्रल ड्रेन पोर्शन है ये हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था इसमें हम फिर दोबारा बताते हैं, या अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में काट दें इस तरीके से और काटने के बाद हम इस डायरेक्शन से देखें तो हमें ये सेंट्रल जो डायग्राम है ये हमें दिखाई देता है।
तो हम देख रहे हैं इसका टॉप व्यू अगर देखें तो ये जो हमारे लेटरल ड्रेन्स हैं, ये हमारे लेटरल ड्रेन्स हैं, ये बीच में हमारी कौन सी है सेंट्रल ड्रेन है, तो ये हमारी सेंट्रल ड्रेन है और साइड में जो हमारी कौन सी लगी हुई है लेटरल ड्रेन्स लगी हुई है। तो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि जो लेटरल ड्रेन्स है उसकी जो लेंथ होती है उसके डाया के कंपेरिजन कितने गुना होती है, तो 60 गुना हम रखते हैं इसकी लेंथ उसके डाया के कंपेरिजन में। लेकिन जो सेंट्रल मैनिफोल्ड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेटरल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसा होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। और इसमें जो हम वेलोसिटी रखते हैं परमिसिबल वेलोसिटी वो है 1.8 से 2.4 मीटर पर सेकंड, इसमें हम वेलोसिटी को रखते हैं। अब जब पानी लगातार इस पर ऊपर टपकेगा, इसके जब सैंड से जब ग्रेवल से होता हुआ पानी आए लेटरल ड्रेन्स पर पानी इस तरीके से आएगा, तो लेटरल ड्रेन्स पानी को प्राप्त करके किसको प्रोवाइड कर देंगी, वो हमारी सेंट्रल ड्रेन को प्रोवाइड कर देंगी। और सेंट्रल ड्रेन पानी कहाँ लेके आएगी, पानी हमारा इस डायरेक्शन में पानी लेकर और ये हमारे फिल्ट्रेट की तरफ पानी को भेज देती है, फिल्टर जो हमारा फिल्टर्ड वाटर हम कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें पानी को ट्रांसफर कर देती है। तो ये थी हमारी इसकी पूरी वर्किंग और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जो कंपटीशन से लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इनसे रेड पूछ ले आते हैं। तो पूछा जाता है कि जो रैपिड सेंड फिल्टर है उसका प्लान एरिया हम कितना रखते हैं, तो 10 to 80 मीटर स्क्वायर हम इसका प्लान एरिया रखते हैं। जो सेंड हमने यूज की है उसका इफेक्टिव साइज यानी D10 हम कितना रखते हैं, 0.35 से 0.55 mm। जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है, जो हम क्लीनिंग ऑफ फिल्टर हम करते हैं, तो फिल्टर की हम क्लीनिंग करते हैं कैसे करते हैं, बाई बैक वॉशिंग, और कितने टाइम में करते हैं, हम 24 से 48 घंटे में इसको एक बार साफ करना होता है। वॉशिंग रेट की अगर बात करें, यानी हम जो वॉश कर रहे हैं उसका रेट हम कितना रखते हैं, 45 सेंटीमीटर पर मिनट। और वॉशिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, जब वॉशिंग करते हैं तब इसके देखिए जब हमारा पानी फिल्टर हो रहा है तब इसमें जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, लेमिनार फ्लो यानी स्तरीय प्रवाह होता है। लेकिन जब हम बैक वॉशिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में टर्बुलेंट फ्लो यानी हलचल वाला, यानी कि हमारा जो जिगजैग मोशन में हमारा जो फ्लो होता है उससे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो वॉशिंग जब हम बैक वॉशिंग कर रहे होते हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, तो कौन से फ्लो होता है उसके अंदर, टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम करते हैं। दूसरा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जो फिल्ट्रेशन रेट है तो फिल्ट्रेशन के टाइम पर हमारा फ्लो कैसा होता है, लेमिनार। तो इस फिल्टर की जो कैपेसिटी है वो स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में 30 गुना होती है। तो स्लो सैंड फिल्टर की कैपेसिटी थी हमारी 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, तो इसकी 30 गुना अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगी 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो इसकी हमारी स्लो सैंड फिल्टर केस में 30 टाइम्स इसकी कैपेसिटी होती है। टैंक कितनी रिक्वायरमेंट होगी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स में कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो उसका फार्मूला हम याद रखेंगे 1.22 अंडर रूट क्यू, जहां हमारा क्यू क्या है, मिलियन लीटर पर डे। अब बात आती है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब यहां पर ये है कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम हमारा ये वाला है, और अंडर ड्रेनेज सिस्टम को हम बैक वॉश डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। और जो बैक वॉश डिजाइन किया जाता है, तो बैक वॉश जो रेट है वो फिल्ट्रेशन रेट का हम कितना रखते हैं, 6 से 16 गुना हम बैक वॉश रेट हम रखते हैं। अब बात आती है लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसमें बैक्टीरियल परसेंटेज रिमूवल हमारा कितना होता है। तो बैक्टीरियल परसेंटेज रिमूवल इसमें थोड़ा कम हो पाएगा, उसका कारण क्या है, हमने जो स्लो सैंड फिल्टर में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एक तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में, और दूसरा हमने पढ़ा था मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, और उसके बाद हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल चेंजेस, उसके बाद हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन। तो जो प्रोसेस पढ़े थे, तो हमारा तीसरा प्रोसेस था बायोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर में हम जो उसकी सफाई करते हैं बहुत लंबे टाइम बाद करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारी जो एल्गी वगैरह की पूरी लेयर बन जाती है वो क्या करती है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देती है। तो बैक्टीरियल एफिशिएंसी उस टाइम हमें ज्यादा देखने को मिलती है, 98 से 99% इन स्लो सैंड फिल्टर। लेकिन बात करें हम जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें ऐसी कोई लेयर ज्यादा देर तक बन नहीं पाती, क्योंकि हम कितने देर में सफाई कर दे रहे हैं, 24 से 48 घंटे में सफाई कर देते हैं, तो उस केस में इस पर कोई ऐसी लेयर नहीं बन पाती। तो लेयर ना बनने की वजह से इसकी बैक्टीरियल एफिशिएंसी हमारी कैसी होती है, 80 to 90%। लेकिन इस प्रोसेस से जो हमें पानी प्राप्त होता है वो हमें थोड़ा, उसमें पानी में कलर वाली प्रॉब्लम थी, पर बैक्टीरियल इसमें कलर वाली प्रॉब्लम पानी में आती है, पानी में कलर आता है, लेकिन साथ साथ बैक्टीरियल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कलर एफिशिएंसी बढ़िया है, कलर इसमें ज़्यादा नहीं आता है, तो 80 to 92% इसकी बैक्टीरियल एफिशिएंसी होती है। तो ये था हमारा पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे, ज्यादा हमने फोकस किया है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, ज्यादा डिटेल में हमने यहाँ पर इसको नहीं एक्सप्लेन किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।